नमस्कार, मैं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आई एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। COP26 के लिए स्कॉटलैंड पहुंचे पीएम मोदी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही बड़ी बात, अगर तालिबान भारत की तरफ बढ़ता है तो एयर स्ट्राइक है तैयार। नवाब मलिक का बड़ा आरोप, पूरे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में चल रहा ड्रग्स का खेल, सीबीआई करे जांच। दिल्ली में आज से खुले नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स भी पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। दिल्ली में डेंगू का कहर, आज प्रदेश सरकार के साथ समीक्षा बैठक करेंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। अफगानिस्तान में शादी पर म्यूजिक बजाने की सजा, तालिबानियों ने 13 लोगों को उतारा मौत के घाट। लंदन में बड़ा हादसा, सुरंग के अंदर दो ट्रेनों की आमने सामने हुई टक्कर, रेस्क्यू का काम जारी। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का हुआ परीक्षण, भारत की खास सफलता के गवाह बने लोगों ने जय जगन्नाथ के नारे लगाए। आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड से हार का सिलसिला जारी, 18 साल में 5वीं बार न्यूजीलैंड से हारी टीम इंडिया। कटरीना कैफ ने सूर्यवंशी की रिलीज डेट की अनाउंस, दिवाली पर मिलेगा अक्षय कुमार, रणवीर सिंह का धमाकेदार एक्शन। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।